आप सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे देश भारत के अंदर तीन दिशाएं और तीन भवन बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना? उत्तर, नॉर्थ, पूर्व, ईस्ट, और कहते हैं बीच का उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ये तीनों दिशाएं बड़ी पवित्र मानी जाती हैं, कहने करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका तीन भवन, जिस घर में आप रहते हैं वो घर भवन ही हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप क्या कहते हैं, जिस धर्म स्थान पे आप जाते हैं, मंदिर वगैरह, तो मंदिर वही भवन ही होता है, ठीक है। ठीक है, उसको मंदिर नाम दिया जाता है, बात अलग है। मैं तो एक, जो कहते हैं ना, एक चीज बनती है उसको मैन मेड। और तीसरा हमारे भारत का संविधान का जो भवन है, जिसको हम संसद भवन बोलते हैं, वो तो तीनों भवन ऐसे हैं जो कि संविधान, जो संसद भवन है वो पूरे भारत का, हमारे पूरे नागरिकों का एक प्रकार से संविधान का घर है। मंदिर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे, हमारी आस्था का प्रतीक का घर है। और जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा प्रेम का घर है। तो प्रेम, विश्वास, आस्था तीनों में होनी चाहिए, तीनों के प्रति हमारे समर्पण भाव होने चाहिए, सबसे बड़ी चीज यही है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, दिशाएं बताई, वो तीनों क्या कहते हैं, कोई पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई, मुख्य मुख्य मतलब बड़े पवित्र दिशाएं हैं। इसी तरह से जवानों के प्रति, मतलब बेल्ट की नौकरी वाले, वो चाहे पुलिस हो, चाहे जल थल नभ के जवान हो, सुरक्षा एजेंसियां जिसके भी जवान हो, पैरामिलिट्रीज हो, कोई भी हो इनके, और इसी कर मेडिकल मतलब स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति, वो छोटे से लेके स्वीपर से लेके डॉक्टर तक, यही होते हैं ना, डॉक्टर, नर्सेज, अटेंडेंट्स, स्वीपर, सारी सब कुछ होते हैं जो डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, इनके प्रति हमारे मन में बहुत मान सम्मान रहना चाहिए। कोई बात नहीं, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, आपके घर में भी नहीं है बराबर, तो बहुत मान सम्मान, आदर भाव रहना चाहिए। और अंतिम बात यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि पशु पक्षियों के प्रति और वनस्पति जगत के प्रति हमारे दया भाव पूर्ण रहना चाहिए, इस बात पे आप गौर करके चलिए, ठीक है। मंगल कामनाएं, नमस्कार।